एक बॉडी है वो इनिशियल स्पीड यू से ए एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, और उसकी स्पीड 2s डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली हो जाती है वी। तो उसकी स्पीड s डिस्टेंस कवर करने के बाद कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पूरे मोशन के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है 2s। यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 2s। अब यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वी वन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पीड वी वन मान ली है, वी वन स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वहाँ यहाँ से वी वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, वी वन हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2as की जगह, मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। यू स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर बाई 2 को सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। थैंक यू।